मैं फरखंदा खान आज जहांपनाह आर्ट स्टूडियो में महेंद्र कुमार लुथरा जी का स्वागत करती हूं, जो कि एक अच्छे जाने माने कलाकार और समाज सेवक हैं। एक समाज सेवक होने के नाते मुझे मालूम है कि आप समाज के लिए काफी सोचते हैं और कला के जरिए लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, वो कहते हैं कि सावन का मजा वो ले सकता है जिसने पतझड़ देखा हो। मैंने 39 साल की नौकरी में 24 राज्यों में घुमा हूं, आदिवासी क्षेत्रों में गया हूं, नक्सलवाद क्षेत्र में गया हूं, उग्रवाद क्षेत्र में गया हूं, और मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जिसने मेरे दिल पर काफी गहरा असर किया। आज भी हमारे हिंदुस्तान में प्रतंदा जी ऐसी ऐसी जगह हैं जहां एक तालाब होता है, उस तालाब में औरतें भी नहाते हैं, इंसान बच्चे भी नहाते हैं, मर्द भी नहाते हैं, जानवर भी नहाते हैं, उसी तालाब में कपड़े भी धोए जाते हैं और उसी तालाब के पानी को घर में उबाल करके खाना भी बनाया जाता है। आज भी मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी है जहाँ 20-20 किलोमीटर दूर तक लोग अपने बच्चों को तैयार करके एक कंपटीशन में ले जाते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफी समय से सूफिज्म पर काम कर रही हूँ, सूफिज्म पर पेंटिंग बनाती हूँ। आपको क्या लगता है सूफी थॉट क्या है और सूफिज्म से आप कितना प्रेरित हैं? देखिए, सूफी का तो एक अलग ही दुनिया है। वो तो अपने खुदा को, अपने रब को, अपने भगवान को, अपने महबूब भगवान के जिससे प्यार करते हैं। बुल्ले शाह जो एक बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। वो कहते हैं जे रब मिलदा नातिया धोतिया ते मिलदा डडमा मछिया। यानी कि अगर भगवान नहाने धोने से, स्नान करने से मिलता तो मेंढक और मछलियों को मिलता, वो तो पानी में ही रहते हैं। ये रब मिलता जंगल बुखारी ते मिलता गौमा बछड़िया। ये अगर भगवान जंगल में जाने से मिलता तो गाय भैंसे और बकरियों को मिलता, वो तो जंगल में रहते हैं। ये रब मिलता मणि मसाणिया ते मिलता चरम चिकड़िया। वो कहते अगर भगवान जंगल में शमशान घाट में धोनी रमाने से मिलता तो चमगादड़ों को और छिपकलियों को मिलते, वो तो रहता ही वहां है। वो कहते बुल्ले शाह रब उसमें मिलता जिद नीता अच्छिया। बुल्ले शाह भगवान उसको मिलते हैं, खुदा उसको मिलता है, गॉड उसको मिलते हैं जिनकी नीयत अच्छी होती है। ये महेंद्र जी, आपने बहुत खूब कहा, बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए और आपने देखा है मेरी पेंटिंग्स को कई बार, और मैं चाहती हूँ आप मेरी पेंटिंग को एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैंने बड़ी मन से बनाई है और इसमें औरत को बनाया है जो कि मीराबाई की तरह मगन है, दीवानी है और नाच रही है, तो आप इस पेंटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये है मेरी पेंटिंग जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी जी। और इसके बारे में आप क्या अपनी राय पेश करेंगे? ये जो आपने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है, मिक्स मीडिया है, ग्रेफिक्स भी इसमें यूज है, ऑयल भी यूज है। ये जो पेंटिंग है ये कृष्ण दीवानी मीरा की पेंटिंग। जब मीरा कृष्ण के सामने नाचती थी तो लोग कहते थे पागल है, लेकिन वो जिसके सामने नाचती थी वो सिर्फ मीरा को दिखता था, किसी और को नहीं। ये उसके सबसे बड़ी थी कि सूफी में सब यही कहते हैं मत में कि आप उसके सामने खो जाओ, कुछ पाना है तो बावले हो जाओ, हाथ में माला मत पकड़ो, ये तो झूठी माला है। मन का पेड़, मन को साफ रखना है तो मन की माला को पहनो। ये अपना पेंटिंग जो आपने बनाई है बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, मीरा को दीवानी दिखाया है इसमें। और जब तक आप अपने रब के दीवाने नहीं होंगे, उसकी महबूबा नहीं बनेंगे, तब तक आप उसमें खो नहीं सकते। थैंक यू।
थैंक यू महेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा है, आपने एक्सप्लेन किया है और मेरा दिल गदगद हो गया, क्योंकि मैंने बहुत मन से मीटिंग बनाई थी और आपको अच्छा लगा देखकर, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि हम देख रहे हैं आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर एक अजीब सा माहौल हो गया है, लोगों में एकता नाम की चीज लाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि आज की सिचुएशन चल रही है उसमें हमें क्या करना चाहिए कि सब एक हो जाए? देखिए फकंदा जी, चाहे कितनी रुकावटें आए, चाहे कितने भी लोग हमले करें, हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज भी हम दिवाली पर पटाखे छोड़ते हैं और ईद पर सेवैयां भी खाते हैं। मैं आपको राष्ट्रीय एकता का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपने फिल्म देखी होगी बेजू बावड़ा, उसमें एक गाना है मन तड़पत हरि दर्शन को आज, इसको गाने वाले मोहम्मद रफी मुसलमान, इसको लिखने वाले शकील बुजायूनी मुसलमान और संगीतकार नौशाद मुसलमान, तीन मुसलमान हरि दर्शन पर गीत गा रहे हैं। इससे बड़े आपको राष्ट्रीय एकता का क्या एग्जाम्पल है? आप वैष्णो देवी जाते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ, लेकिन 16 किलोमीटर की चढ़ाई पर भक्तों को ले जाने वाले मुसलमान, अमरनाथ की पहाड़ियों में बर्फ में लोगों को भक्तों को भोले शंकर के दर्शन कराने वाले मुसलमान, और तो और सिखों के सबसे पवित्र। महेंद्र जी, मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसा किया जाए कि हम सूफी थॉट को, सूफिज्म को दोबारा से लोगों में पहुंचाएं, मैसेज दें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप बुद्धिजीवी भी हैं तो आप अच्छी राय दे सकते हैं। देखिए सूफिज्म को हम हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाना चाहिए, सिर्फ आपकी इच्छा होनी चाहिए। जो सूफिज्म का महत्व है, जो इसका संदेश है, वो आज विदेशी साजों के शोर में दब गया है। हमारी संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति भारी हो रही है। हम जब भी कोई शो करें उसमें एक सूफी से रिलेटेड पेंटिंग बना सकते हैं, सूफी के गाने रख सकते हैं, और जो सूफी कलाकार हुए हैं बड़े बड़े, उनके गीतों को, उनके साहित्यों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जिस दिन ये सूफी साहित्य हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गया, उस दिन ये हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। बहुत सही कहा आपने, और इसी के साथ मैं इजाजत देती हूँ आपका मेरे स्टूडियो में आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम, थैंक यू। जैसा कि मैंने देखा है कि आपने समाज सेवा में अपने आप को लीन करा, इसमें आपका परिवार का क्या सहयोग रहा है? परिवार के सहयोग के बिना मैं कर ही नहीं सकता था, वो तो मेरे बैकबोन है, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं, और ये उनकी ही प्रेरणा है कि आज मैं ये काम कर पा रहा हूँ।